राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शिबू सोरेन की अध्यक्षता में हुई। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित समन्वय समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में मादर उपचुनाव एकजुटता दिखाने समेत राज्य में विविध व्यवस्था से जुड़े सवाल पर गंभीरता से चर्चा हुई है। वहीं बैठक में गठबंधन के तीनों दलों के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं मादर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी चुनावी सभाएं करी। गठबंधन दलों के नेता उनके साथ लाए। बैठक में बोर्ड निगमों में नियुक्ति समेत सरकार के विभिन्न विभागों में ब्लैक ब्लॉक नियुक्ति करने पर समिति बनी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बैठक में राज्य की वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा होगी। तीन दलों में चुनावी एजेंडे पर कितना काम हुआ और कितना बाकी है, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं मार्डल उपचुनाव में जीत के लिए एकजुट होकर जोर लगाने पर सहमति बनाई गई है। वहीं बोर्ड नियम को लेकर भी प्रक्रिया चल रही है। देखना अभी यह है कि कब तक इसका नतीजा निकल कर आता है। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।